हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने हमें काफ़ी अप्रिसिएट किया है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं आप हमें ऐसे ही आगे भी प्रोत्साहित करते रहेंगे। और मैं वादा करता हूं कि आपको हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का पूरा प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे लेकर चल रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण ऐसे है। ये ऐसे है डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, यानी छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व या वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ। वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, इसमें आप लोग पैराग्राफ बदलते रहिए और ऐसे में हेडिंग्स नहीं है, पैराग्राफ बदल करके आपको लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ कहता है स्टूडेंट इज़ द मोस्ट विटाल पार्ट। विटाल मीन्स होता है महत्वपूर्ण। स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट यानी छात्र जीवन जो है, इज मोस्ट विटाल, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, भाग है ऑफ मैंस लाइफ, मनुष्य के जीवन का। यानी छात्र जीवन जो है वो मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इट इज द सीड टाइम ऑफ लाइफ। सीड टाइम मीन्स होता है बीज, यानी बीज का मतलब होता है जीवन का बीज इसी जो है समय में पड़ता है। यानी हम जो है आगे अपने जीवन में कैसे बनेंगे, ये इसी जीवन में निर्धारित हो जाता है कि हम जो है किस तरीके से हमारा फ्यूचर होगा, वो जो है हमारे विद्यार्थी जीवन में ही निर्धारित हो जाता है, छात्र जीवन में ही निर्धारित हो जाता है। द डिसिप्लिन, जो अनुशासन है इन स्टूडेंट लाइफ, छात्र जीवन में, इज वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। जो छात्र जीवन में अनुशासन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो अनुशासन हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे जिस क्षेत्र को आप लें, हर क्षेत्र में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। बिना अनुशासन के जीवन संभव ही नहीं है, लेकिन छात्र जीवन में जो है अनुशासन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप अनुशासित रह करके अपना छात्र जीवन बिताते हैं तो आगे आपको सफल होने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है, कोई भी बाधा आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के, विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के अ स्टूडेंट, एक छात्र जो है कैन नॉट बी, यहाँ पर बी छूट गया था तो हमने इसको जो है आपका करेक्शन किया है एडिट करके फोटो को। कहता है कि अनुशासन के बिना स्टूडेंट, एक जीव जो है, छात्र जो है, वो कैन नॉट बी हैप्पी, न तो प्रसन्न रह सकता है एंड सक्सेसफुल, और न ही सफल हो सकता है। यानी अनुशासन के बिना कोई भी छात्र न तो जो है प्रसन्न रह सकता है और न तो जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है, यानी सफल हो सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी, जो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है ऑफ ए स्टूडेंट, एक छात्र का, जो छात्र एक होता है, विद्यार्थी होता है, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है इज टू स्टडी हार्ड, वो जो है यह है कि कठिन अध्ययन करे, यानी मेहनत से अध्ययन करे। जो छात्र है उसका सबसे प्रमुख कर्तव्य यही है कि वो जो है अपने जीवन में अच्छे से अध्ययन करे, यानी मेहनत से जो है पढ़ाई करे। ही मस्ट एक्वायर नॉलेज फॉर फ्यूचर, ही मस्ट एक्वायर, उसे प्राप्त करना चाहिए नॉलेज, ज्ञान फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए, यानी उसे अपना भविष्य संवारने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यदि उसको सही गलत का ज्ञान नहीं होगा तो वो जो है
कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, तो उसे अपने भविष्य को संवारने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ही इज अ फ्यूचर सिटीजन ऑफ द नेशन, जो छात्र होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो फ्यूचर सिटीजन, भविष्य का नागरिक होता है, ऑफ द नेशन, अपने राष्ट्र का। जो है छात्र होता है वो अपने राष्ट्र का भावी नागरिक होता है। ही उसे मस्ट बिल्ड अप गुड कैरेक्टर, उसे अपना चरित्र अच्छा बनाना चाहिए, यानी क्योंकि हर विद्यार्थी जो है अपने राष्ट्र का भावी नागरिक होता है। जो इस समय विद्यालयों में छात्र पढ़ रहे हैं वही छात्र आगे आने वाले भविष्य के जो है भावी नागरिक हैं। तो इसलिए हर विद्यार्थी को अपना चरित्र अच्छा बनाना चाहिए। अ स्टूडेंट, एक छात्र को शुड एक्वायर, प्राप्त करना चाहिए, मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, एट स्कूल, स्कूल में, एज वेल एज एट होम, घर में भी, यानी हर विद्यार्थी को विद्यालय में और घर में दोनों जगहों पर नैतिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, नैतिकता सीखनी चाहिए कि किस तरीके से हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना है, किस तरीके से हमें अपने आप से व्यवहार करना है। और ये चीज़ जो है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि उसे यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि हमें किस स्थान पर कैसा व्यवहार करना है। इस बात का ज्ञान हमें जो है हर विद्यार्थी को अवश्य ही होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कराए, ही शुड ओबे, हर छात्र को शुड ओबे, आज्ञा माननी चाहिए, हिज टीचर्स, अपने शिक्षक की, एज वेल एज पेरेंट्स, और माता पिता की, यानी जो है हर विद्यार्थी को, हर छात्र को अपने माता पिता के साथ अपने शिक्षकों की आज्ञा माननी चाहिए, यानी हर विद्यार्थी को जो है अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए और अपने शिक्षकों की भी आज्ञा माननी चाहिए। क्योंकि हमने बहुत से ऐसी जगहों पर देखा है कि जहां विद्यार्थी जो है वो अपने शिक्षकों को सम्मान नहीं देते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, आप जो है यदि किसी से कुछ पाने की इच्छा करते हैं तो उससे आपको विनम्र होकर बात करनी पड़ेगी, विनम्रता दर्शानी पड़ेगी। यदि आप जो है उससे, किसी व्यक्ति से कुछ पाने की इच्छा करते हैं और उससे घमंड से बात करते हैं तो वो चीज़ आपको हो सकता है न मिल पाए। तो शिक्षक से आप ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसलिए उससे आपको विनम्रता से बात करना चाहिए। और माता पिता, तो उन्होंने हमको जन्म दिया है, उनसे तो हमें बहुत विनम्रता से बात करनी ही चाहिए। एज ही लिप्स इन सोसाइटी, जैसे कि छात्र जो है समाज में जब रहता है तो ही हैड सम सोशल ड्यूटीज आल्सो, तो उसके कुछ सामाजिक कर्तव्य होते हैं, यानी जो छात्र है वो समाज में रहता है तो इसलिए उसके कुछ सामाजिक कर्तव्य भी होते हैं, उन्हें अपने उन सामाजिक कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है भाई हमारा ऐसे, तो आप लोग जो है एक बार कमेंट करके हमें जो है बता दें और वीडियो को लाइक करें। यदि वीडियो अच्छा हो तो अपने विचार वीडियो के बारे में ज़रूर रखें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि सभी लोग जो है वीडियो को पूरा देखें और कमेंट ज़रूर करें, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, अपना सुझाव बताएं कि आखिर कमी कहाँ पर रह गई है जो आपको अच्छा नहीं लगा है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आई कह रहा, ही शुड ट्राई टू रिमूव इलिटरेसी फ्राम हिज
लोकेलिटी, लोकेलिटी मीन्स मोहल्ला या क्षेत्र, गांव कह सकते हैं। ही शुड ट्राई, हर व्यक्ति को या हर विद्यार्थी को प्रयास करना चाहिए टू रिमूव इलिटरेसी, इलिटरेसी मीन्स अशिक्षा को रिमूव, खत्म करने का प्रयास करना चाहिए फ्रॉम हिज लोकेलिटी, अपने समाज से। ही शुड फाइट, उसे लड़ना चाहिए अगेंस्ट सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन मीन्स होता है कट्टरवादिता के खिलाफ, उसे कट्टरवादिता के खिलाफ लड़ना चाहिए। डावरी ईटीसी और दहेज प्रथा इत्यादि बुराइयों के खिलाफ उसे लड़ना चाहिए। ही शुड नेवर पार्टिसिपेट इन एक्टिव पॉलिटिक्स, उसे जो है सक्रिय रूप से राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा उसे राजनीति में नहीं भाग लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप राजनीति में सक्रिय भागीदारी रखते हैं, बहुत ज़्यादा राजनीति में आप जो है भागीदारी दिखाते हैं, तो इससे आपका छात्र जीवन जो है वो बाधित हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मुझे आशा है आप लोगों को ये ऐसे समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, इफ़ स्टूडेंट आर डिसिप्लिन्ड, यहाँ पर डिसिप्लिन्ड कर लीजिए, यदि छात्र जो है डिसिप्लिन्ड है यानी अनुशासित हैं, यदि जो है छात्र जो है हमारे समाज के या हमारे विद्यालय के अनुशासित हैं, तो देन तो वी कैन इजीली इमेजिन What will happen? तो we can easily, हम आसानी से imagine, कल्पना कर सकते हैं कि what will happen, कि क्या हो सकता है यदि हमारे छात्र जो है हमारे जीवन में, छात्र हमारे समाज के अनुशासित हैं, तो हम जो है ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। A nation, एक राष्ट्र है, कैन नॉट राइज, आगे नहीं बढ़ सकता है, राइज का मतलब है उठना या आगे बढ़ना, कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, इफ़ यदि द स्टूडेंट्स, छात्र जो है डू नॉट नो, नहीं जानते हैं द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का महत्व, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है यदि उस समाज के या उस देश के उस राष्ट्र के जो छात्र हैं वो अनुशासन का महत्व नहीं समझते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसे आपका कंप्लीट होता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसे जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक करें, और यदि अपने आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम यही आप करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके और तुरंत ही आप जो है बेल आइकन दबा दें, जिससे जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको जो है मिल जाए। तो जो है कोशिश करिए कि जो है अपने मित्रों तक भी इसको शेयर करें। अंत में आगे बढ़ते हैं, कहता है डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड accomplishment. डिसिप्लिन यानी अनुशासन जो है इज द ब्रिज, एक ब्रिज है, ब्रिज मीन्स पुल है, बिटवीन गोल्स लक्ष्य के बीच में एंड accomplishment और उपलब्धि के बीच में, जो अनुशासन है वो लक्ष्य और उपलब्धि के बीच में क्या होता है, एक ब्रिज होता है, मतलब पुल होता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जैसे हम कोई नया वीडियो डालते हैं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।